जरा एक की तरह ताली बजा के वोट को इज्जत दो, ताली बजा के। आप सब अहबाब, सब अहबाब आपने अपनी नशस्तों पर तशरीफ रखें। हर शख्स का यह नशस्त मुख्तास हैं, आपने मुख्तास नशस्तों पर तशरीफ रखें। प्लीज आपने अपने मुख्तास नशस्तों पर तशरीफ रखें। स्टेज तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, है कायद हमारा, है कायद हमारा, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, है कायद हमारा, है कायद हमारा, ना डरने वाला ना झुकने वाला, है कायद हमारा, है कायद हमारा। अब कराची से लेकर खैबर तक और कोयटा से लेकर कश्मीर तक तमाम पाकिस्तान और कश्मीर की जमहूरी कुवतें आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जो इज्तिमा मुनक़द किया है, इस इज्तिमा की बाकायदा कार्रवाई के लिए मैं शाह गुलाम कादर साहब से कहूँगा कि वो आए और इस तकरीब का बाकायदा आगाज करें। शाह गुलाम कादर साहब, इस तकरीब की बाकायदा कार्रवाई के लिए शाह गुलाम कादर साहब से कहूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। और उस वक्त आबाद में मुनक़दा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये तारीख साख इज्तमा भारत की जानब से 5 अगस्त 2019 को तकसीम कश्मीर और कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म करके इसे यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले को मुस्तरद करता है और 84,000 मरबा मील पर मुश्तमिल रियासत जम्मू कश्मीर को एक अकाई और नाकाबले तकसीम वादत करार देता है और इसकी किसी भी किस्म की तकसीम को मुस्तरद करता है। ये करारदाद आपको कबूल है? ये अजलास 30 लाख से ज़ायद गैर रियासती अफराद को रियासत जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल देने और कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने के फैसला की शदीद मजम्मत करता है और करार देता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के वही असली शहरी हैं जो स्टेट सब्जेक्ट रूल्स 1927 के दायरा कार में आते हैं। ये इतमा भारत की जानब से मकबूजा कश्मीर में सियासी क्यादत की गिरफ्तारियों, नज़रबंदियों और जबरी बंदश के जुमला फैसलों, नहते अवाम, ख़वातीन और बच्चों पर पैलेट गन्स की फायरिंग और गुज़श्ता 1.5 साल से जुल्म व बर्बरियत, लॉकडाउन और कर्फ्यू के ज़रिए इनकी ज़िंदगी अजीरन बनाए रखने पर भारतीय हुकूमत, भारतीय हुकूमती इकदामात और सीज फायर लाइन के इस तरफ पुरमन शहरियों पर आए रोज़ फायरिंग और जानी माली नुकसानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की तंजीमों पर ज़ोर देता है कि वो कश्मीरी शहरियों पर भारत की जानब से ढाए जाने वाले मजालम को बंद करवाने में अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाते हुए कश्मीर में इस्तेसवाब राय के वादे की तकमील करे और जब तक इस्तेसवाब राय का अमल शुरू होता है मकबूजा कश्मीर से तकरीबन 10 लाख फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को रियासत से निकाले ताकि रियासत में नहते शहरियों पर जुल्म और सितम का बाजार
बंद किया जा सके, ये करारदाद आपका मंजूर है। शुक्रिया। इस्लामी बैंकारी अब मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी। मीजान रोशन डिजिटल। थोड़ा सा जोश और खरोश, हाथ उठा के। खामोशी इख्तियार करें, खामोशी। अभी मैं आज के इस जलसे के मेज़बान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान को दावत देता हूँ। आप सब तालियों में इस्तकबाल करें। रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है, रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है, यही आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाज़ा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब सेक्रेटरी जनरल PDM और PDM के जो कायदीन तशरीफ़ फरमाए और अभी PDM के कायदीन पहुंचने वाले हैं, जिसमें PDM के सरबरा हज़रत मौलाना फजल रहमान और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, आप इत्मीनान के साथ जलसा में बैठे रहें और PDM के कायदीन की तकरीर इंतहाई इत्मीनान से सुने। यारा छोड़ो, न्याजी को दफा करो, उस यारा उसको छोड़ो। इधर अपनी बात करेंगे हम, छोड़ो उसको। मैं अपने तमाम सियासी जमातों के कारकुनों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं अपनी पार्टी का भी, उसके यूथ का भी और मैं अपनी बेटी बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 5 फरवरी है और यह दिन काजी हुसैन अहमद साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसको दिन को इख्तियार किया और बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसके साथ शमूलियत इख्तियार की और पिछले 30 साल से पाकिस्तान के अवाम, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती के तौर पर 5 फरवरी का दिन मनाते हैं। मेरे भाई और अजीज़ों, कुछ को याद होगा जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है कि 2 साल पहले इसी तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारी बेटी, हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज ने इसी जलसे से यहाँ पर खताब किया था मुजफ्फराबाद 2018 5 फरवरी को। मैं आज पाकिस्तान की मुसलमान सियासी क़यादत जो 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करती है, आज वो आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफा, बेटा धक्का ना लगाइए, आगे तार है देखे, और पुलिस वालों इनको किसी को छोटी नहीं लगानी ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दिन सारी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, मुसलमान सियासी क़यादत मुजफ्फराबाद में रियासत जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठी है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 73 साल में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत आज मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के साथ जो है
यकजहती के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उनके साथ यकजहती के तौर पर ये एक तारीख साज मौका है जो आज अल्लाह ताला ने हमें फराहम किया है। मैं बहसीत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सारी पाकिस्तानी क़यादत को मुजफ्फराबाद के मुकाम पर खुश आमदीद कहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आपकी ये जदोजहद जो इस वक्त जारी है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी उसके लिए भी अपना हिस्सा भरपूर डालेगी। मैं आपसे तो रखता हूँ कि आप तहरीक आज़ादी कश्मीर का फरामोश नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आपको अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल किसी सूरत में नहीं है, और अगर किसी ने इस खिते की तकसीम की मजमूम कोशिश की तो आज़ाद कश्मीर के अवाम इंशाल्लाह डट कर उसका मुकाबला करेंगे अल्लाह के फजल करम से। और यह भी कहना चाहता हूँ आपसे साफ वाज़े, आज भी असम्बली के अंदर कहा है, स्पीकर साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की है कि आज़ाद कश्मीर की आइनी हैसियत को किसी सूरत में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा, ये मेरी बात याद रखे। हाथ उठाए मेरे साथ सारे लोग, हाथ उठाएं कि आज़ाद कश्मीर की आनी हैसियत को कभी भी उसको बदलने की तकसीम की कोशिश नहीं की जाएगी। और यह भी कहना चाहता हूँ सबसे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर गिलगित का ड्रामा ना दोहराया जाए इलेक्शंस के अंदर। आज़ाद कश्मीर के लोग बाशऊर हैं, जिस जमात को भी आज़ाद कश्मीर के लोग वोट देंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल हैं। और यह अगर इस तरह आपने किया तो फिर हिंदुस्तान की हुकूमत और आप में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा, यह मेरी बात याद रखें। इस हवाले से मैं PDM की सियासी क़यादत से भी यह तोको रखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जमहूरी हकूक़ के लिए वो अपनी आवाज़ जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर बुलंद करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो इस बात को महसूस करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हैसियत जो है उसको किसी सूरत में तब्दील ना किया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका शुक्रिया आपका। ये जो कि बाहर हमारे मेहमान आ रहे हैं, डबल कैबन 688 बाहर VIP रूट में खड़ी है ये गाड़ी, प्लीज 688 डबल कैबन ये हटाएं। अब मैं मेरे भाइयों जवानों मैं नारे लगाता हूं, आप इसका जवाब दें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, PDM की आदत। मैं अब बलूचिस्तान से पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर उस्मान काकर साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ दूर से तशरीफ लाए हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए, भरपूर इस्तकबाल कीजिए सेनेटर उस्मान काकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुजफ्फराबाद के इस स्टेडियम में, इस जलसे में हजारों मजलूम कश्मीरियों के इस इज्तिमा के सदर PM राजा फारूक साहब और मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप सब कायदीन व आवाम के इजाज़त से आप सबको मालूम है कि PDM ने मुल्क के मुसलत हकूमत और जो गैर जमहूरी कुवते हैं जो इस मुल्क के
खारजा पॉलिसी के हवाले से और दाखिला पॉलिसी के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, जिसमें बिलखसूस जो मकबूजा कश्मीर हैं और इन लोगों ने जो फैसला किया, उस फैसले और आगे की जमहूरियत की बहाली के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, आइन कानून की हुक्मरानी के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन जिसमें स्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस अदारों की मुदाखलत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी भाइयों, कश्मीर को अंग्रेजी इस्तेमार ने आज से 73 साल पहले अंग्रेजों ने तकसीम किया, जिस तरह पश्तून अफगान को तकसीम किया, इसी तरह इन जालिमों ने कश्मीरियों को जो है तकसीम किया। इसका बुनियादी जिम्मेदार अंग्रेजी साम्राज्य था। कश्मीरियों को कुदरत ने जन्नत नजीर वतन दिया है और कश्मीरी जो है वो बहुत मेहनत कश आवाम है। कश्मीर के सरे जमीन पर, कश्मीरियों के सरे जमीन पर कुदरत ने सारे नियामतों से मालामाल कर दिया गया है, चाहे वसाइल हो, चाहे पानी हो, चाहे इसकी खूबसूरती हो, चाहे कश्मीरी आवाम की मेहनत और जफाकश आवाम जो है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मुख्य पिए है कि कश्मीर के एक एक इंच जमीन पर कश्मीरी आवाम का हक हाकिमियत, हक मलकियत को जो है तस्लीम करना चाहिए। कश्मीरी वतन की, कश्मीरियों के वतन की वादत, हक हाकिमियत, हक मलकियत मुतहदा कश्मीर की शक्ल में, कश्मीरियों की हुक्मरानी की शक्ल में आपको मिलना चाहिए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मुख्य पिए है कि जिस तरह यहाँ पर पाठा को जिस तरीके से जम किया, मोदी के लिए इन लोगों ने एक रास्ता खोल दिया। मोदी ने वहाँ पे जो है श्रीनगर और लद्दाख को जो है हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया है। इसमें भी हमारे हुक्मरानों की गुनाह कबीरा शामिल है और बास पार्टियों का जो है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मुख्य पिए है कि मुसल्लत जनरल मैनेजर इमरान खान और मोदी ने जो मुआहदा किया है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी उसके मुखालिफ हैं और उसी वक्त तक हम मुखालफत करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को मुतहदा वतन और उसका अपना इख्तियार ना मिले। उस वक्त तक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई आपके साथ होंगे। और इसी के साथ आज आप लोगों को मालूम है कि मौजूदा मुसलत हुकूमत अभी आइंदा इलेक्शन में कश्मीर में आपको हक राय दी से भी वो मारूम कर देंगे और यहाँ पे भी मुसलत हुकूमत लाने के लिए साजिशें हो रही है। लिहाजा हम ये चाहते हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कश्मीर में सही मानों में
आवाम के पर्ची से जो है आइंदा अपने नुमाइंदे मुंतखब करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों का मुतहदा वतन, कश्मीरियों का उस ब्याह की हकमियत आके मलकियत और कश्मीरी आवाम के मर्जी से जो है फैसले होना चाहिए। हम आपके साथ होंगे इस मसले पे के फैसला कश्मीरी आवाम करे और कोई ना करे। और हकमियत हक मलकियत मुतहदा कश्मीर उस पे कश्मीरियों का हुक्मरानी पश्तूनख्वा मिले वाली पार्टी चाहती है। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये जो मंगला डैम की राय लठी है, मंगला डैम की राय लठी ये कश्मीरियों का हक है। इसका राय लठी का हक कश्मीरियों को मिलना चाहिए क्योंकि ये आपकी सर जमीन पे है मंगला डैम जो है। और हम आपसे गुजारिश करें बेलाक्वामी कूतों से, अक्वाम मुतहदा से के कश्मीरियों ने अपने वतन के लिए हजारों शोदा जेलें और मुसीबतें बर्दाश्त की है, तो लिहाजा कश्मीर कश्मीरियों के लिए कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी सदर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहतरम जनाब वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब, जनाब शाह गुलाम कादर साहब, जनाब मुश्ताक मिनहास साहब और मुस्लिम लीग नून कश्मीर के सारे कायदीन और मेरे
कश्मीरी भाइयों बहनों माओ बेटियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से मोहम्मद नवाज शरीफ कश्मीर का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम कबूल करो। उन्होंने अभी मैं जब मैं स्टेज पर बैठी थी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ का मैसेज दो और उनसे कहो नवाज शरीफ कहता है आई लव यू। देखो नीलम से आयो नीलम वाले आप सबको मेरा सलाम। नवाज शरीफ साहब ने आपके लिए सलाम भी भेजा और आपके लिए बहुत प्यार भी भेजा और बहुत सी दुआएं भी भेजी। याद है ना जब मैं लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब के साथ यहाँ पर आई थी इसी ग्राउंड के अंदर, याद है ना, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ कश्मीरी नहीं मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है। ना सिर्फ नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है बल्कि कश्मीरियों सुन लो नवाज शरीफ का दिल भी कश्मीर के साथ धड़कता है। सबसे पहले मैं राजा फारूक हैदर साहब को कश्मीरी आवाम के साथ मिलकर खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की रवायत बदल दी और उन्होंने जमात और लीडर के साथ वफादारी का नया रिकॉर्ड कायम किया। तो हम सब मिलकर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर जिंदाबाद। और आपको याद है ना मुजफ्फराबाद और कश्मीर की मोहब्बत अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ के लिए। आखिरी बार जब मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आई थी तो वक्त की कमी के बायस मैंने तकरीर नहीं की, तो जब मियाँ साहब स्पीच कर रहे थे तो कश्मीरी आवाम ने कहा कि मियाँ साहब मरियम को कहें स्पीच करे वरना हम उसको नहीं जाने देंगे। मुझे वो दिन आज भी याद है। इसी तरह मुजफ्फराबाद और कश्मीरियों ने अपनी बेटी मरियम को अपने साथ मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते में बांध लिया था। और आज मैंने ये भी सुना है जिसका नाम आप लेते हो, जिसको गो न्याजी गो कहते हो,
राजा फारूक हैदर साहब ने फरमाया कि हम क्यों इमरान खान का नाम लें। उन्होंने कहा छोड़ो, जाने दो, उसका नाम मत लो। लेकिन राजा फारूक हैदर साहब, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां सकूते कश्मीर का नाम आता है, वहां इमरान खान का नाम आता है। और इमरान खान, आज सुन लो कि कश्मीर के आवाम क्या कह रहे हैं, जरा सुना दो कश्मीर के आवाम, आज तुम इमरान खान को क्या कह रहे हो। इमरान खान, आवाज आ रही है ना, कश्मीरी भी आज यक जबान होकर कह रहे हैं गो इमरान गो। देखो, अभी थोड़ी देर तराना नहीं लगाना प्लीज, मेरा रब्त टूट जाएगा। देखो, मैंने सुना है कि आज कोटली में आज इमरान खान आ रहा है, और आज एक सरकारी कागज पे लिखी हुई ताकीद भी गई है आजाद कश्मीर पुलिस को कि देखना आज मुखालिफ जमात का कोई रुकन इमरान खान के जलसे में आने ना पाए, और अगली तीन कितारों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बिठाए जाएं, क्योंकि जाली वजीर आजम को डर लगता है कि लोग उसका गिरेबान पकड़ेंगे। जरा इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुम आज आजाद कश्मीर में कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लाए हो। तुम कश्मीरियों को 15 अगस्त 2019 का वो दिन याद कराने आए हो जब कश्मीर को तुम मोदी की झोली में फेंक कर आ गए थे। क्या पैगाम देने आए हो आज कश्मीरियों को कि कश्मीरियों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा हार के आया हूं। क्या मुंह लेकर आज कश्मीरियों के पास आए हो, क्या बताओगे कि मैं कश्मीर का सौदा करके आया हूं। एक तो वैसे ही बेचारा किसी जलसे में और किसी अवामी इज्तमा में जाने के काबिल नहीं रहा, और कश्मीर आएगा भी तो किस मुंह से आएगा। अभी तो मीडिया कंट्रोल कर लो, इदारों को कंट्रोल कर लो, लेकिन जहां जहां सकूते कश्मीर का नाम और जिक्र आएगा, वहां इमरान खान मुजरिम बन के कटहरे में खड़ा होगा। आओ मिलकर पहले कश्मीर के मेरे बहन भाइयों, आओ मिलकर पहले मकबूजा कश्मीर के शुहदा को सर झुकाकर हम सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरी बहन भाई और नौजवानों की जुर्रत को, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर के जुर्रत की दास्तानें, कश्मीर की इस्तकामत की दास्तानें, कश्मीर की कुर्बानियों की दास्तानें मकबूजा कश्मीर के वसी होते हुए और फैलते हुए कब्रिस्तान सुना रहे हैं।
मैं कश्मीरियों को, मैं सरहद के पार उन कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को, माओं को, बुजुर्गों को, बेटियों को सलाम पेश करना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि जब आपको चोट लगती है तो जख्मी हमारे दिल होते हैं और हम समझते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम कश्मीरियों, हम लोग समझते हैं, आज़ाद कश्मीर भी ये जानता है और पाकिस्तान का हर फर्द ये जानता है कि अपने प्यारों को इस तरह खो देना कोई मामूली बात नहीं। कई दहाइयों से देखो अपने प्यारे अगर ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई मौत से दुनिया से रुखसत हो जाएं तो वो जख्म कभी नहीं भूलते, लेकिन अपनी आंखों के सामने भारतीय दरिंदगी से अपने प्यारों को शहीद होते देखना बहुत दिल जिगर का काम है। इसके लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए और हम तुम जितने चाहो मैं भारत को ये पैगाम देना चाहती हूँ, तुम जितने लोगों को चाहो पाबंदे सलासल रखो, नौजवानों को घरों से उठा कर ले जाओ, नौजवानों के साथ बुरा सलूक करो, बुजुर्गों को नामालूम मकान पे कैद रखो, अपनी ही सरजमीन पर कश्मीरियों से सोतेलों का सलूक रखो, दुश्मनों वाला सलूक रखो, लेकिन याद रखो कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कुरान भी कहता है मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, कुरान भी कहता है कि मकबूजा कश्मीर के और जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो। तो वो शहीद जिंदा हैं, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे और उनकी कुर्बानियों की बदौलत इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीरियों की तवक्कुआत के मुताबिक कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम, मेरे कश्मीर के भाइयों और बहनों, पूरी कौम मसले कश्मीर पर एक है। मैं दिल से आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मसले कश्मीर पर एक है, यकजान है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं, लेकिन जहाँ मुल्क के कौमी मफादात की बात आती है, चाहे वो हमारे एटमी प्रोग्राम हो या फिर मसला कश्मीर हो, मैं यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तानी कौम एक दिल और एक जान की तरह कश्मीरियों के साथ मुत्तहिद है। लेकिन कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, चंद हकायक ऐसे हैं, चंद तल्ख हकायक और तल्ख सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब इमरान खान को और उसको लाने वालों को देना पड़ेगा। देखो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या नारा लगा रहे हो, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छा नारा लगा रहे हो, शुक्रिया। देखो हम आज
हम आज इस जाली हुक्मरान से सवाल पूछेंगे, क्यों कश्मीरियों मेरे साथ मिलके सवाल पूछोगे ना, क्योंकि कौमी मफादात के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी हकूमत वक्त पर आयद होती है, चाहे वो जाली और सिलेक्टेड हकूमत ही क्यों ना हो, जिम्मेदारी फिर भी हकूमत वक्त पर आयद होती है। तो हम हकूमत वक्त से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों तुमने साजिश के जरिए मुसल्लत होकर अवाम को एक हकीकी और मुंतखब हकूमत से महरूम रखा, क्यों तुम एक कॉम्प्रोमाइज ताबेदार 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत होकर तुमने पाकिस्तान को दाखला और खारजी महाज पर कमजोर किया, क्यों तुम्हारी हकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि 15 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर भारत को सकूते कश्मीर का हौसला मिला? जवाब दो इमरान खान, जवाब दो। जो हौसला, देखो पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स की हकूमत रही है, 10-10 साल रही है, और जानते हो ना कि जब डिक्टेटर्स हकूमत पे आते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी डिक्टेटर के भी दौरे हकूमत में भारत को ये जरूरत नहीं हुई कि कश्मीर को उठा के अपने नाम कर ले। ये स्याही भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पर मली गई है, और कौम ये सवाल करती है और कश्मीरी आवाम ये सवाल करते हैं, जवाब दो इमरान खान के, क्यों 18 महीने गुजर जाने के बावजूद आज भी तुम और तुम्हारी जाली हकूमत कश्मीर के चले जाने के बाद भी बेबसी की तस्वीर बन के बैठी है? क्या 2 मिनट की खामोशी याद है ना, जब कश्मीर मोदी की झोली में फेंक आया था तो इसने क्या कहा था, इसका उसके पास क्या इलाज था? 2 मिनट की खामोशी याद है ना। हमारी खारजा पॉलिसी क्या है? 2 मिनट की खामोशी। मैं पूछती हूं कि 2 मिनट की खामोशी, बल्कि तुम्हारी मुजरिमाना खामोशी, इस पर तुम्हें खामोश नहीं बैठना था, इस पर तो तुमको बोलना था, इस पर तो तुम्हें दुनिया की राय कश्मीरियों के हक में हमवार करनी थी। आज कश्मीरी मरियम नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये सवाल करते हैं कि तुम कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने में नाकाम क्यों हुए? बोलो कश्मीरियों मेरे साथ मिलकर ये सवाल करते हो ना कि इमरान खान कहाँ है तुम्हारी खारजा पॉलिसी? क्या कश्मीरी मेरे साथ मिलकर इमरान खान से ये सवाल करते हैं कि तुमने ट्रंप की, जो पाकिस्तानी इमरान खान था ना वहां पे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और जो हमारे इधर एक पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप है जिसका नाम इमरान खान है, तुम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे, बड़े फखर से लोगों को बता रहे थे कि ट्रंप ने कहा है कि मैं कश्मीर पे सालसी करूंगा, तो क्या तुमने कश्मीर के सकूत के बाद तुमने ट्रंप से जाकर पूछा कि क्यों भाई पाकिस्तानी इमरान खान कहां गए तुम्हारी सालसी? और तुमने अमेरिका से वापसी पर कहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, याद है ना कश्मीरियों?
हमें अच्छी तरह याद है। और जरा मुझे एक आवाज होकर जवाब देना, वो जो छत पे मेरे बहन भाई खड़े हैं, वो भी, ये जो मेरी माएं बहनें बेटियां खड़ी हैं, ये भी, ये जो मेरे बच्चे बुजुर्ग खड़े हैं, भाई खड़े, ये भी यक जबान होकर पहले खामोशी से मेरा सवाल सुनिए, फिर यक जबान होकर मुझे बताएं किसने इलेक्शन के अंदर मोदी के जीतने की दुआएं मांगी थी, किसने कहा था कि मोदी जब इलेक्शन जीत कर आ जाएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, जानते हो ना किसने कहा? इमरान खान, ये तुम्हारे जैसे ताबेदार और बंदा ईमानदार के बस का रोग नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान ने एक ही बेटा पैदा किया है, कश्मीर ने एक ही बेटा पैदा किया है जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो, नवाज शरीफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जहां आंखें दिखाना हो वहां नवाज शरीफ आंखें भी दिखाता है, और जहां हिसाब बराबर करने हो वहां नवाज शरीफ भारत के साथ हिसाब बराबर ही नहीं करता, बल्कि जहां 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करने हो वहां नवाज शरीफ ना सिर्फ हिसाब बराबर करता है बल्कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर का पलड़ा भारी हो जाता है। कश्मीरी आवाम ये सवाल करती है कि क्यों तुम वो खारजा किरदार अदा नहीं कर सके जो हमारी हुकूमत का फर्ज था। कश्मीरी आवाम ये सवाल करते हैं कि क्यों तुम मुल्कगीर एहतजाज की क़यादत नहीं कर सके जिसके लिए दुश्मन को और पूरे दुनिया को हमने ये बावर कराना था कि हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ क्या मजालिम हो रहे हैं, और क्यों आलमी सतह पर एक भी करारदाद मकबूजा कश्मीर के हक में तुम मंजूर नहीं करा सके। उल्टा तुम्हारी खारजा पॉलिसी का ये हाल है कि उल्टा भारत सलामती काउंसिल का रुकन बन गया। क्यों पूरा देखो पाकिस्तान की आवाम और कश्मीर की आवाम ये सवाल करती है कि क्यों पूरा श्रीनगर मोदी के हवाले करके इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, क्यों रखा? और जब ये सब हो रहा था, बजाय इसके कि तुम दुनिया में कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते, तुमने आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटने शुरू कर दिए, और जिस वक्त बोलो शेम शेम शेम, जब कश्मीर को तुम्हारी आवाज की जरूरत थी तुम कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर गद्दारी के पर्चे कटवा रहे थे, जब भारत कश्मीर पर कब्जा कर लेने की प्लानिंग कर रहा था तो तुम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में दूसरी जमातों के वोट तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। और उससे मुझे याद आया कि अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, 3 साल हुकूमत करने के बाद कश्मीरियों सुन लो, अभी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में
तारीख की बदतरीन धांधली करने के बाद, दूसरी जमातों के वोट तोड़ने के बाद, जिनके वोट नहीं टूटे उनको कर्नल्स और जनरल्स से फोन कराने के बाद, अच्छी तरह खुफिया राय शुमारी का इस्तेमाल करने के बाद, आज तुम्हें जब अपने अरकान खिसकते हुए नजर आ रहे हैं तो तुमको शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। पाकिस्तानी ना समझ नहीं है, पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को सब समझ आ रही है। याद रखना मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों, याद रखना कि जब भी पाकिस्तान के अंदर, जब भी मुल्क के अंदर वोट चोरी करके हुकूमत आती है तो वो आपको जवाबदेह नहीं होती। जब भी कमजोर हुकूमत आती है तो मईशत कमजोर होती है, आपका आटा, बिजली, गैस, चीनी चोरी होती है, आपका मुल्क कमजोर होता है, आपका कारोबार बंद होता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है, आपका रोजगार छिनता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है। और जब आपका मुल्क कमजोर होता है उस पर एक ताबेदार को लाकर बिठा दिया जाता है जिसको सवाए जूते पॉलिश करने की और कोई काम नहीं आता, जिससे जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। तो जानते हो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया? मरियम नवाज शरीफ ने जवाब दिया, कश्मीरियों ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बहादुर लीडर ने ये जवाब दिया, हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाए, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। इंशाल्लाह शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वक्त याद है ना जब अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ का दौर था, जब मुल्क तरक्की कर रहा था और भारत के वज़ीरे आज़म खुद चलकर पाकिस्तान में आपकी धरती पर खुद चलकर आए थे और ऐलाने लाहौर हुआ था और पहली मर्तबा भारत के वज़ीरे आज़म ने ये तस्लीम किया था मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर, नवाज शरीफ आपके वज़ीरे आज़म की मौजूदगी में ये तस्लीम किया था कि हाँ, मसला कश्मीर जो है वो एक मसला है, एक तनाज़ा है जिसका हल होना चाहिए। तो नवाज शरीफ की जो हिकमत अमली थी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को चलाया, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिस तरह उन्होंने कुव्वतें इरादी से फैसले किए, हिकमत अमली से दुनिया को अपने साथ मिलाया, तो यकीन जानो कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टाइम मिल जाता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता।
लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारा इस्तीफा मांग रही है। बोलो, क्या कश्मीर की आवाम भी इमरान खान से इस्तीफा मांगती है? कश्मीरी भाइयों, वो तो इस्तीफा देने के भी पैसे मांग रहा है, जिसको बचपन से चंदा मांगने की आदत हो वो आज कह रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा लेकिन जाते जाते मुझे थोड़े से पैसे दे दो। अब पाकिस्तान की और कश्मीरी आवाम ने तुम्हें पैसे देने नहीं है, तुमसे तुम्हारा इस्तीफा भी लेना है और तुमसे पाकिस्तान के आवाम के पैसे भी निकलवाने हैं। अब इस्तीफा भी देना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। कौमी खजानों पे, खजाने पे जो तुमने अरबों रुपए के डाके डाले, ताबेदार बंदा बनकर, और क्या साकिब, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन बनकर तुमने जो अवाम की चीनी पर डाका डाला है, अवाम के आटे पर डाका डाला है, अवाम की बिजली पर डाका डाला है, अवाम की गैस पर डाका डाला है, आज तुम्हें इंशाल्लाह इस्तीफा भी देना पड़ेगा और आवाम के डाकों की और जेबों से निकाले गए वो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो आज हम तुम्हें कहते हैं, अच्छा अजान हो रही है, अजान हो रही है, तो अब जरा आखिर में नारे लगा दो मेरे साथ, बोलो बोलो, कश्मीर फरोश इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मैं बोलती हूँ आप बोलो इस्तीफा दो, कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश, आटा चोर, आटा चोर, बिजली चोर, गैस चोर, चीनी चोर, रोजगार चोर, रोटी चोर, तरक्की चोर, तो इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है। अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन भी आ रहा है, इंशाल्लाह इलेक्शन के से पहले मैं इधर हाजिरी दूंगी आपके पास, और इंशाल्लाह ताला आज कश्मीर की आवाम इस जाली वजीर आजम से
ये कहती है कि 15 अगस्त 2019 से पहले वाला मकबूजा जम्मू कश्मीर हमें वापस कर दो, इस्तीफा दो और घर जाओ, वरना ये आवाम तुम्हें माफ नहीं करेगी। और आखिर में इंशाल्लाह ताला हम कश्मीरियों से ये वादा करते हैं कि हालात जो भी हों हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर बेटा, पाकिस्तान की हर बेटी इंशाल्लाह ताला आपकी आज़ादी की जद्दोजहद कामयाब होने तक आपके शाना बशाना रहेगी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कश्मीर को आज़ादी दिला के दम लेगा। तो मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगा दो, मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगा दे, और आखिर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, और आखिर में एक और नारा पीडीएम। ये मौलाना फजलुर्रहमान साहब में अभी मिली नहीं, लेकिन मेरे बड़े मोहतरम हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं, मेरे बहुत मोहतरम बुजुर्ग हैं, मेरे साथ मिलकर एक और नारा लगा दो, मौलाना फजलुर्रहमान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मौलाना फजलुर्रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं तो उनको दावत देने के लिए उनके जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मौलाना इम्तियाज़ साहब से गुजारिश करूँगा, उनको दावत खिताब दें। जरा जरा लगाओ, मौलाना आ रहा है, लगाओ जरा। उसे करो, उसे एक नारा ना लगा ले, ताजदारे खत्मे नबूवत पे लगा, उसको लगा दो नारा तकबीर, नारा तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सिद्दीक अकबर, शाने सिद्दीक अकबर। अब आप लगाओ, लगाओ, लगाओ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, मुजाहिदीन कश्मीर, शुहदाए कश्मीर, कश्मीर फरोश हुक्मरान, ताजदारे खत्मे नबूवत, दोनों हाथों से आशिकों की धरती है, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सालारे मिल्लत मौलाना फजलुर्रहमान। अब आपके सामने पाकिस्तान के अजीम रहनुमा कायदे मिल्लत इस्लामिया उम्मत मुस्लिमा के तर्जमान नडर और बेबाक लीडर कायदे मिल्लत इस्लामिया कश्मीरियों के पुश्तीबान होने की हैसियत से आज जफराबाद के इस तारीख साज स्टेडियम में इंसानों के हुजूम से आज कश्मीरियों की 7000 यकजहती करने के लिए और आपको ये बात बताने के लिए कि 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर का सौदा करने वालों का ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर्रहमान। नारा तकबीर, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर्रहमान, पीडीएम,
पीडीएम कश्मीर बनेगा। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. स्टेज पर मौजूद ज़ुअमाए क़ौम, क़ायदीने किराम, पिंडाल में मौजूद बुज़ुर्गाने उम्मत, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी आवाम के साथ पाकिस्तानी कौम यकजहती का दिन मना रहे हैं और पीडीएम की क़यादत आपके साथ बराहे रास यकजहती का मुजाहरा करने के लिए यहाँ इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं तवक्को रखता हूं कि जिस जज्बे और खुलूस के साथ आप इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं उसी जज्बे खुलूस और मोहब्बत के साथ पुरसकून रहें ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे और आपकी वसातत से पूरी दुनिया तक पहुंच सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, यह अज़ीम-उश्शान इज्तिमा पूरे कश्मीर की नुमाइंदा इज्तिमा की हैसियत रखता है और आज आपने ये साबित कर दिया है कि हर कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ है, उसका दिल पाकिस्तान से वाबस्ता है, उसके जज्बात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और जो लोग, जो कुव्वतें आज कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाली तारीख उन पर लानत भेजेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर जन्नत नज़ीर और जन्नत कभी काफिर को मिली है न मिलेगी। आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान से वाबस्तगी का फैसला किया, आज भी आप उस पर कायम हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में आवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, किसी मोदी को ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो
मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके उसको हिंदुस्तान का सूबा बना सके। आज इमरान खान और उसकी लाबी कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं, उसकी सोच ही की बुनियाद पर आज मोदी ने ये मौका पाकर कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आएगा, जिस तरह इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कहा था अल्लाह मोदी को कामयाब करे मसले कश्मीर हल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इख्तदार में आने से पहले पाकिस्तान का एक वाहिद, मैं उसको अब कहूं कि सियासतदान तो ये भी बुरा लगता है, लेकिन ये वाहिद आदमी था जिसने इख्तदार में आने से पहले कश्मीर को तीन हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इसके इख्तदार में आने से पहले उसके मंशूर का हिस्सा था कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए, और फिर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जाकर उसे पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात की। मैं आज भी समझता हूं कि आजाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते हमें इनके जज्बात से कोई शक नहीं है, लेकिन बैनुल अक्वामी सतह पर मामले की जो हैसियत है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और वो हिंदुस्तान का जुग्राफियाई हिस्सा है, तो ये सलामती काउंसिल की सन 49 की करारदादों की मुखालफत है। बैनुल अक्वामी फोरम पर हिंदुस्तान ने आलमी फोरम के फैसले से गद्दारी की है, अक्वामी मुत्तहिदा की करारदादों से गद्दारी की है, सलामती काउंसिल की करारदादों से गद्दारी की है। जो गद्दारी उन्होंने की थी, आज वही उस गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। हम समझते हैं आप मराहत दें, आप इज्जत दें, आप उनको वसाइल मुहैया करें, आप उनको रोजगार मुहैया करें, आप उनको खुशहाल जिंदगी मुहैया करें, इस पर किसी को एतराज नहीं, लेकिन मसले कश्मीर की सियासी हैसियत को तब्दील करना ये पूरे कश्मीरियों के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने यहां इस मुजफ्फराबाद में दो हैसियतों के साथ जलसा किया है, एक अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर, और आज उसमें एक एहतजाज शामिल है, कि जिस तरह कश्मीर का सौदा किया गया, कश्मीरियों के ख्वाहिशात के बरक्स जिस तरह हिंदुस्तान ने इनकी हुकूमत के दौरान गुज़श्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर के मसले की हैसियत ख़त्म कर दी, आज जाहिर है कि हम उस एहतजाज में भी शरीक होने के लिए आपके पास मुजफ्फराबाद आए हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा तरने वाला नहीं
कि आप आसानी से उसको निगल सकेंगे और मैं आपके सामने हाजिर हूं। जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, हिंदुस्तान को जुर्रत नहीं हो सकी। और आज आपको पता भी है कि कश्मीर का वजीर कौन है और उसका चेयरमैन कौन है। कश्मीर फ्रेश हुक्मरान, मोदी नियाजी गठजोड़, मोदी नियाजी गठजोड़, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान और मोदी इमरान और ट्रंप की इस तकून की साजिश की बुनियाद पर मसले की हैसियत को तब्दील किया गया। हम आज वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि एक नाजायज हुकूमत और ना अहल हुकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक हासिल नहीं है। हम इन हुक्मरानों को मसले को तब्दील करने का की इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीर एक मसला है, कश्मीर एक नजरियाती मसला है, कश्मीरी कौम का मसला है। आप पंजाब को तकसीम करें इस बुनियाद पर कि आधा पंजाब सिखों का है, आधा पंजाब मुसलमानों का है। आप बंगाल को तकसीम कर सकते हैं कि आधा बंगाल मुसलमानों का और आधा हिंदुओं का है। लेकिन आप अगर ये तकसीम पाकिस्तान का 47 का फार्मूले का हिस्सा है तो फिर आर पार कश्मीरी मुसलमान है, आर पार कश्मीरी मुसलमान है। एक मुसलमान कौम की हैसियत से पाकिस्तान से इल्हाक करना ये उनका हक बनता है और उसी हवाले से हमने इस मसले को हल करना है। बलावल भुट्टो साहब आ गए, मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बड़ी संजीदगी के साथ आप इस बात को सुने कि हमने पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन को मुस्तरद किया है। एक धांधली की हुकूमत है और फिर उसने अभी हाल ही में जो गिलगित बल्तिस्तान में धांधली कराई, हम उस धांधली को तस्लीम नहीं करेंगे। और अब वही धांधली कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन में कराई जा रही है और हमने इनको धांधली नहीं करने देनी। आपने जुर्रत करनी है, अवाम ठीक होते हैं। ये जो एक मफाद परस्त तबका होता है, मफाद परस्त तबका जो कल मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा था, अगर आज उनका कोई एक मेंबर भी पीटीआई में जाता है या उस कैंप में जाता है, वो कश्मीर का नुमाइंदा नहीं है, उसे कश्मीर का गद्दार तसव्वुर किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार जो कल पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था या उसका मेंबर था और आज वो अपनी वफादारी तब्दील करके पीटीआई में जाएगा या उस कैंप में जाएगा, उसको गद्दार कश्मीर तसव्वुर किया जाएगा, वो कश्मीरियों के वोट का हकदार नहीं बन सकेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इन हालात पर नज़र रखनी है और हमने कश्मीर के मसले पर दो टोक मौकफ देना है। हिंदुस्तान को मजबूर करना है कि जो फैसला
उन्होंने पिछले साल किया, कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ, हम उस फैसले को तस्लीम ही नहीं, इंशाल्लाह उस फैसले को वापस कराने की भी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज फिर से आपके साथ यकजहती का ऐलान करता हूं। पाकिस्तान के हर जिले हेडक्वार्टर पर आज आपके हक में रैलियां निकल रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ये दिलों का जोड़ ये हमेशा बरकरार रहेगा। हम एक कौम हैं, एक उम्मत हैं, और इस लिहाज से मुझे पता है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को क्या दिया कि वो अब कश्मीर को देने जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है, पाकिस्तान को भूख और अफलास, पाकिस्तान को इन्होंने महंगाई दी है। कश्मीरियों, अगर तुमने उनका साथ दिया तो अपने तारीख मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर महंगाई के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, फिर बेरोज़गारी के मुस्तकबिल का इंतज़ार कीजिए, कभी भी आपके कश्मीर में खुशी नहीं आ सकेगी। सलाम अलैकुम। यार आप लोग माइक बंद करें प्लीज़, माइक बंद करें भाई, एक सेकंड मेरी गुजारिश सुन लें। आप हजरात काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं तकरीर के लिए, बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें, ये गलत तरीका है, हम इससे ज़्यादा नारे लगा सकते हैं। आप तकरीर सुने आराम से, तवज्जो करें भाई, तवज्जो, बात हो रही है, आपको मौका देंगे, नारों का मौका देंगे, जरा प्लीज तवज्जो करें। तो अगर कश्मीर पर हुकूमत बनती है इन लोगों की, जो हशर इन्होंने 2 साल में पाकिस्तान का कर रखा है, उससे बहुत जल्द कश्मीर का बुरा हाल कर देंगे। आप फिर कश्मीर को जन्नत नज़ीर नहीं कह सकेंगे, इनकी हुकूमत के होते हुए ये जहन्नम नज़ीर तो हो सकता है लेकिन जन्नत नज़ीर नहीं कहलाया जा सकेगा। इसलिए आप पूरे खलूस के साथ और हिम्मत के साथ अपने मुस्तकबिल के फैसले करें, और किसी आप एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की इजाज़त मत दे कि आप पर अपने फैसले मुसल्लत करें। कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, और श्रीनगर की मंडी, रावलपिंडी के नारे लगते रहेंगे, और इंशाल्लाह इंडिया का ख्वाब कभी कश्मीर पर कब्ज़ा करने का वो शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकेगा। वह आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया, ये थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा जनाब अवैस नूरानी साहब को, उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए जनाब अवैस नूरानी साहब। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, पीडीएम, पीडीएम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाईजान आप लोगों ने नारे ही लगाने नहीं, जियो है भाई, इंटरैक्ट करें, ऐसे खैर रखो, बाद में इंटरैक्ट करें। जिंदाबाद, और जोर से, मुझे लगता है बनी गाला में तुम्हारी आवाज नहीं जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वस्सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमईन। वाजिबुल एहतराम सदर
پی ڈی ایم جناب محترم حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب، واجب الاحترام نائب صدر مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز صاحبہ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، پرائم منسٹر آزاد کشمیر، دیگر قائدین اور رفقا اور اسٹیڈیم میں تشریف لائے ہوئے تمام مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ابھی یہاں تقریریں ہو رہی تھیں تو میں پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے، اور پھر سوچ رہا تھا کہ یار اتنا خوبصورت ہے، ہم زلزلے کے دوران یہاں آئے تھے اور آتے رہتے ہیں، سوچ رہا تھا اتنا خوبصورت پہاڑوں کا منظر ہے، پھر بھی پاکستان کا سلیکٹڈ وزیراعظم یہاں کیوں نہیں آتا۔ پھر بڑی غور اور فکر کے بعد میں نے اندازہ لگایا اور اس نتیجے میں پہنچا کہ ان پہاڑوں میں چرچ کا کوئی پودا نہیں لگا ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہیں ادھر ادھر پہاڑ کے پیچھے شاید بھنگ کے کوئی پودے وغیرہ لگے ہوں، وہ بھی نہیں تھا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ یہ یہاں کیوں نہیں آتا، جب اس کو اس کی خوراک نہیں ملے گی تو وہ یہاں کیا کرنے آئے گا۔ بعض لوگ تقریروں میں کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا نالائق ہے، بھائی سن لو یار میری بات، مزہ آ رہا ہے؟ زندہ باد۔ بعض لوگ تقریروں میں کہتے ہیں کہ بہت نالائق ہے، کیا ہے؟ میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ نالائق بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، اور سیاسی نابالغ بھی ہے۔ میں محترم سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے اسٹیج پہ بات کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں یہ پوچھوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کی حکومت پاکستان میں بنے گی اسی کی آزاد کشمیر میں بنے گی۔ میں اس اسٹیڈیم میں آئے ہوئے غیرت مند کشمیریوں، تم کو حلف تم سے لیتا ہوں اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں اس رٹ کو ختم کرنا انشاءاللہ، اور عوام کی حق کے حکمرانی کے اوپر یہاں پر ووٹ کی عزت کے ساتھ اس دوبارہ حکومت بنے گی انشاءاللہ، عوامی نمائندوں کی حکومت بنے گی۔ سنا ہے؟ سنا ہے؟ گلگت بلتستان سے ایک افسر کو لا کے یہاں بٹھایا گیا ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح تم نے گلگت بلتستان کا الیکشن چوری کر پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، اسی طرح تم چوری کر دوبارہ اس نکم میں اور نکھٹو کو دو۔ بولو یہ فیصلہ رد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ عوام کی حکومت بنے گی، ان کے ووٹوں کی عزت سے بنے گی انشاءاللہ، ان کے عزت اور ان کے ووٹوں سے نہیں بنے گی جو بکسے چوری کرتے ہیں۔ یہاں پہ عوام کا راج ہوگا، یہ پہلے مارشل اللہ نے تین دریا بیچے، دوسرا آیا سیاسین بیچا، اور اب مارشل اللہ پلس میں یہ نیازی آیا تو اس نے کشمیر بیچا۔ عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا چائے والا اور پاکستان میں بیٹھا ہوا کپ والا دونوں کو ٹھٹے مار کے انشاءاللہ نکالیں گے۔ نعرہ تکبیر، کشمیر کی آزادی تک،
कश्मीर की आजादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक। और हमें ताना देते हैं कश्मीर कमेटी का। अब बताओ, जिस रंगीले और बसखरे को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया है वो क्या गुल खिला रहा है? बताओ, कश्मीर का हिसाब लोगे? और इंशाल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के डेमोक्रेटिक मूवमेंट के संग इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम की हक की हुक्मरानी का होगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हमारे प्यारे वतन को, मुल्क को आबाद और शाद रखे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये काफिला रवा दवा है मौलाना के साथ, मौलाना की क्यादत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फतह नुसरत अता फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते?